चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ एक वन था। उस वन में पीपल का एक वृक्ष भी था। उस वृक्ष पर एक विचित्र चिड़िया रहती थी जो स्वर्णिम बेष्टा करती थी, अर्थात बेष्टा के रूप में स्वर्ण निष्कासित करती थी। उसके बेष्टा धरती पर गिरते ही स्वर्ण में बदला जाया करते थे। एक बूढ़े व्याध ने जब अपनी आँखों से इस आश्चर्य को देखा तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अपने 60-70 वर्ष के इस व्यवसाय में एक ऐसी विचित्र कभी नहीं देखी थी। वह सोचने लगा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि एक जंगली चिड़िया की बिष्ठा धरती पर गिरते ही स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन उसके सामने तो प्रत्यक्ष और प्रमाण दोनों ही थे, इसीलिए उसे विश्वास करना ही पड़ा। बूढ़ा व्याध सोचने लगा, अगर यह चिड़िया मेरे जाल में फंस गई तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। इस चिड़िया को खूब खिलाऊंगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्णिम बिष्ठा करे। यह विचार करके बूढ़े व्याध ने पीपल के उस वृक्ष पर अपना जाल डाल दिया और उस चिड़िया को फंसने की प्रतीक्षा करने लगा। चिड़िया ने वृक्ष पर पड़े जाल को नहीं देखा और व्याध के जाल में फंस गई। व्याध चिड़िया को अपने अधिकारों में लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दिया, परंतु अचानक ही उसके घर की ओर बढ़ते कदम रुक गए। वह सोचने लगा, यह चिड़िया विचित्र चिड़िया रहती थी जो स्वर्णिम बिष्ठा करती थी, अर्थात बिष्ठा के रूप में स्वर्ण निष्कासित करती थी। उसके बिष्ठा धरती पर गिरते ही स्वर्ण में बदल जाया करती थी। एक बूढ़े व्याध ने जब अपनी आँखों से इस आश्चर्य को देखा तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने 60-70 वर्ष के इस व्यवसाय में अपने पवित्रता ऐसा कभी नहीं देखा।